गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 9th May और आज है प्रिया का बर्थडे। तो ऑब्वियसली हम उसे कॉल करके विश नहीं कर सकते, इसीलिए मन मन में ही विश कर दिया। अब वेट कर रहे हैं कि वो अगर कॉल कर पाए अगर किसी के पास से, तो फिर जाके हम उसको विश कर पाएंगे। और बाकी अभी हम 7 बजे उठे हैं आज दोनों, जल्दी उठेंगे बोलते बोलते जाके 7 बजे उठे हैं। टायर्ड हो गए थे कल पूरा। और मम्मी फूल का जो माला बनाते हैं ना, वो ऑलरेडी बना चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी हम तीनों बैठेंगे अभी भगवान का जो, जिसमें उनको प्रसाद देते हैं, पानी वगैरह सब देते हैं, जो जितना सब आइटम है पूजा का, सब अभी धोना है अच्छे से, उसको चक चक करना है। धूप आ रहा है तेरे फेस पे, इधर आ जा। क्यों खाबो हमें खाबो? तो चलिए, माँ ने माला बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक बनाया है ऑलरेडी और एक बनाएंगी। और अभी हम स्टार्ट करते हैं बर्तन का, जो भगवान का प्रसाद का सब कुछ, वो सब धोना। एक एक करके आपको दिखाते हैं कैसे क्या करते हैं। पूरा लॉन्ग ब्लॉग होने वाला है आज ये, और बहुत कुछ करना है अभी। तो फिर हम दोनों को थोड़ा सा एडिट भी करना है, तो फटाफट से करते हैं, टाइम बहुत कम है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है नीचे तक पूरा लंबा होके। ये है माँ के लिए, मतलब उनकी वाइफ के लिए, बड़ी माँ के लिए, हमारे, हम उनको बड़ी माँ बोलते हैं सब लोग। तो एक हुआ है, 3 फूल होना है और बाकी जो 2 है वो पूरा सफेद होना है, पूरा व्हाइट फ्लावर से ही बनेगा। बाद में होगा, वो बाद में होगा, अभी मम्मी इसको फ्रीज में रख रहे हैं। फूल चाहिए ना। तो चलो तीनों मिलके स्टार्ट करते हैं बर्तन मांजना। अब मैं, हम दोनों चले आए हैं, मम्मी बाकी का पूजा का सब कर रही है और प्रीति यहाँ पे वेजिटेबल्स कट कर रही है। आज बनेगा यहाँ पे फूल गोभी और आलू का करी और भिंडी फ्राई, और वहाँ पे वो साग का एक बनेगा और बनेगा दाल। तो मैं बनाऊंगी आज लंच का सब, क्योंकि माँ बिजी है पूरा, वो इवनिंग को शाम को जो होगा पूजा उसके लिए, सत्संग के लिए बाकी सब कर रही है मम्मी। तो अभी मैं खाना बनाऊंगी, लगभग सब कट हो गया है, अब मैं फटाफट से एक एक करके करती हूँ। रेडी क्यों हो रही है तू? बाहर जाऊंगी पापा के साथ, चीजें लाना है, बहुत सारा मिठाई लानी है। एक कल एक कलश लाए थे मम्मी, लेकिन वो फटा है, तो उसको रिटर्न करना है। और वाटरमेलन लाना भी मत भूलना, फ्रूट्स लाना। नहीं है मार्केट में, बोले पापा। हाँ, अभी एक्चुअली सीजन चला गया ना, तो थर्सडे को ही बस मिलता है, मिठाई लेंगे ना। हाँ, तो यार खाना बना, ठीक है, चुप से और जल्दी आना, सनस्क्रीन लगाई, नहीं तो काली कौवा बन जाएगी। दही खा के जा। प्रीति बाहर गई है पापा के साथ जो सामान बाकी का लाने, और मैं और मम्मी स्टार्ट कर दिए हैं प्रसाद बनाना यहाँ पे। तो अभी सबसे पहले बन रहा है, हलवा सूजी का, दूध है यहाँ पे प्रसाद के लिए। इसको सबसे पहले बना के रख देंगे, ताकि ये ठंडा जब हो जाएगा तो केक की तरह हम उसको पीसेस करके देंगे, तो इसीलिए ये सबसे पहले बनेगा। एंड उसके बाद फिर दोपहर से खाने के बाद, लंच के बाद से बाकी सारा जो प्रसाद बनेगा ये हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं लंच बनाना स्टार्ट करूंगी। और अभी गर्मी में दोपहर में सबसे पहले कुछ भी बनने से पहले
प्रसाद तैयार हो रहा है यहाँ पे। लाई वो बाहर में दिखाएंगे। नहीं, मैं अभी बाहर गई थी पापा से, पापा के साथ, तो देखिए मैं क्या क्या लाई। ये प्रसाद देने के लिए प्लेट और ये जरी भी है, और ये उसके साथ भी जाएगा। आलू नहीं था, टमाटर नहीं था, सब मैं लाई। और अभी मेन जो भगवान का प्रसाद है वो लेके आए बाबा। आप साइड के इसमें मत जाना, बहुत गंदा हुआ है क्योंकि फैला हुआ है सब कुछ। आज तो फैला हुआ होगा क्योंकि इतना सारा सब कुछ बनेगा इसीलिए। वाओ, जल्दी से अंदर आ, मुझे लगा मेरा वाला आया। चलते हैं। कर कर सारे जन, मतलब इस जन्म का काम आज एक दिन में कर ले। भगवान को, भगवान तेरे को ज्यादा आशीर्वाद देंगे, इसीलिए ही तो कर रही है। मेरे तेरे को पता है, मुझे मुझे पता है तेरे बारे में। और मेरा यहाँ पे चल रहा है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे साग। तो ये मेरा हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट। क्या क्या कर रही है, क्या क्या कर रही है? जय श्री राम। मतलब हनुमान है क्या? था सियाराम कहाँ है अंदर? ये सोचने की बात है, पापियों को दिखाई नहीं देते इजीली। मतलब हम पापी है और तू पापी, तेरे को दिखाई दे रहे? हनुमान मेरे मन में है, कैसे दिखूं? राम सिया कहाँ है? मन में है, देखो तो हर जगह है, तुम नहीं देख पाओगे, वो कैमरा में भी नहीं आएगा। नॉर्टन की साला। काम कर, जाने की काम कर अच्छे से, एकदम नॉर्टन की उसका। आप लोग नॉर्टन की देखते देखते थकोगे नहीं उसका। मैं तब से काम कर रही हूँ, तब से बाहर जाके मैं लाई, मैं सब लोग कर रहे हैं। मैं नहीं करना चाहिए, हम मैं जिसके अंदर मैं जिसके अंदर है उसके अंदर अहंकार है, अहंकार। बकरी चुप। श्री राम। मम्मी अभी बैठ के भगवान की माला बना रही है क्योंकि खाने में आज हम दोनों हेल्प कर रहे हैं, है ना मम्मी? हाँ। नहीं तो तुम्हारा टाइम टाइम फिस हो जाता है। हाँ। कितने सारे फूल है भाई। मेरा लक्ष्मी बेटी है ना, दोनों मुझे हेल्प कर रही है पूजा के लिए। ये बेडशीट के ऊपर नहीं रखेंगे फूल को, इसलिए ये फैला के इसके ऊपर कर रहे हैं। ये कौन सा पत्ता है? फूल के पत्ते इसके अंदर बीच बीच में। हाँ। कितने मोटे मोटे बन रहे हैं। तो बनाओ, मैं देखती हूँ कितना दूर तक खाना बना है। चलते देखते खाना कितना दूर बना है। इसको देखो, कमर अकड़ जाएगी तेरी। क्या करूँ कमर में, कितना दूर गया अभी। ये क्या है, ये क्या है? ये काजू और बादाम का पेस्ट। तो इसमें क्यों कर रही है तू? करंट नहीं है इसलिए ग्राइंडर अभी चल नहीं सकता, इसीलिए करो बट्टे से ही करना पड़ेगा। इसका कलर वाव। आलू गोभी है, गोभी उसमें काजू, काजू का पेस्ट बनेगा, काजू और बादाम, काजू और पीनट। हाँ बादाम। ओहो देखो देखो देखो, ऑलरेडी एक सब्जी तो बन गई है। ये बनेगा थोड़ा थोड़ा करी टाइप्स, प्लेन होगा मसाला को। हाँ, गोभी का मसाला। वाँ वाँ। तो यहाँ पे ये एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया है और मम्मी और प्रीति यहाँ पे इसको पीस पीस कर रहे हैं। ये फिर से तेल पे फ्राई होगा, थोड़ा सा बाहर के तरफ क्रिस्पी होगा
और अंदर की तरफ सॉफ्ट। तो ये है हलवा सूजी का, ये हो गया है हमारा एक प्रसाद। और इधर मेरा मैंने बना लिया है खाना, ये है गोभी का करी एंड यहाँ पे मैंने साग भी कर लिया है और अभी दाल और भिंडी फ्राई भी हो रहा है। सब खाना खाने बैठ गए हैं यहाँ पे, तो दाल करी और ये सब हो गया था। लास्ट बना रही हूँ भिंडी यहाँ पे। हाँ हाँ, ये बन रहा है भिंडी और यहाँ पे मम्मी जो प्रसाद है उसका फ्राई कर रही है। तो हम दोनों काम में लगे हैं और पापा को थोड़ा सा भूख लगा था। बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा लगा है। और ये करी खा के बताना कैसा लगा है, तू भी खा। ठीक है, सो अभी सबने लंच कर लिया है और मैंने नहा लिया है पहले। मैंने अभी तक लंच नहीं किया है, इतना गर्मी लग रहा था ना बॉडी में पूरा सुबह से। वो उसके पास क्या बोलते हैं, गैस के पास रह रहे के पूरा बॉडी में मुझे जलन जैसे हो रहा था, तो मैंने पहले नहा लिया। अब मैं पूरा फ्रेश, आशिमा अभी पूरा फ्रेश हो गई हूँ। तो अभी प्रीति नहा रही है और मेरे को खाने का मन एक्चुअली नहीं हो रहा है, बट देखते थोड़ा सा मैं अगर कुछ खाऊँ तो लंच खाने का मन नहीं कर रहा है। अब प्रसाद सब बन रहा है, हलवा बन गया है, उपमा बन रहा है, मैं चाट बना रही हूँ। दीदी आई है हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे बन रहा है ये गोभी का पकोड़ा और ये चाट के लिए ये यहाँ पे क्यूम्बर और टमाटर सब कट किया हुआ है, ये चना अभी बनेगा। और मम्मी यहाँ पे बना रही है उपमा, एक एक करके सब बन रहा है। ये सब क्लीन हो चुका है, यहाँ पे बैठाएंगे। अभी सब सेट साट कर रहे हैं। अभी मम्मी ये पानी से सब धो के अच्छे से क्लीन करके फिर ये लोग सेट कर रहे हैं आसन को। और प्रीति भी हेल्प कर रही है क्योंकि मैं अंदर बना रही हूँ प्रसाद। मैं अंदर यहाँ पे बना रही हूँ चाट। तो ये मेरा बन गया है कोकोनट चिकपी एंड क्यूकम्बर टमाटर वगैरह से, नींबू डाल रही थी मैं। एंड लास्ट में उसमें ऐड करूँगी ये मिक्सचर एंड मूढ़ी, मैं लास्ट में ऐड करूँगी जब प्रसाद देंगे उससे 10 मिनट पहले, नहीं तो ये एकदम उसके अंदर सिकुड़ जाएगा, मिक्सचर भी और मूढ़ी भी नरम हो जाएगा। इसीलिए अभी मैं बस इसको बना के रख दूँगी। एंड पकोड़ा के लिए भी बैटर रेडी है हमारा, गोभी का पकोड़ा बनेगा। एंड यहाँ पे उपमा भी बन गया है, ढक के रखे हैं, ये है उपमा। एंड इधर से ये बन गया है मीठा हलवा। सो गाइज, अभी हो गई है टाइम 6 बजे के आसपास। तो अभी बाहर का बहुत कुछ हो गया है, मैं इसलिए ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि ये बना रही है, ये क्या मैं इसलिए ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये दोनों दीदी और ये दो दीदी यहाँ पे मिलके पकोड़े तल रहे हैं, वो भी प्रसाद के लिए ही, मतलब बाहर जो भी आएंगे उनको दिया जाएगा। 4 प्रकार के हैं, 4 या 5, तो ये दोनों मिलके कर रहे हैं। और ये छोटा यहाँ पे बैठा है, वो पहले नारायण है ना, वो एक खाओ बच्चे, छोटे बच्चे भगवान के होते हैं। कुछ बोलना है हमें? बस बाहर क्या कितना दूर हुआ है दिखा, कैसा लग रहा है देखे आप? ये हो गया है, अच्छा लग रहा है, ये हो रहा है अभी, ये बाकी है। चलो माइंड मत करना क्योंकि अंधेरा है, अभी बाहर बहुत कुछ हो गया है, मैंने और मम्मी ने मिलकर कर दिया है। पापा लाइटिंग का काम देख रहे हैं। ओ फक, इतना लाइट ज्यादा हो गया, बाहर आ गई ना। हाँ तो बहुत ही लाइट, मतलब ये सब पापा मैं और मम्मी मिलके कर दिए हैं। मैं बाद में अच्छे से आपको दिखाऊंगी, अभी तक इतना प्रिपरेशन हुआ है। अभी वहाँ पे प्रसाद रखा जाएगा, फूल रखा जाएगा और अभी पापा लाइट यहाँ पे लगाएंगे। मैं अपना 2 रिंग लाइट है उसको भी ऐड कर लूँगी, तो फिर अच्छी लाइटिंग होगी यहाँ पे। तो आप ये देखिए पापा क्या कर रहे हैं, तार को यहाँ से वहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं।
ये सब हवा इतनी तेज थी कि इसको बांधना पड़ा हमें, और पीछे से वो जो होता है क्या, क्लिप होता है कपड़े ठीक करने का, मतलब सुखाने का, उसको हमने चिपका दिया। मेरा आइडिया था, पापा ने चुरा लिया। अभी इसको कनेक्ट कर रहे हैं लाइट। मम्मी वहाँ पे बिछा रही है, वहाँ पे बैठेंगे सब लोग आके। तो मैं भी अभी ब्लॉग बंद कर रही हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है इसके साथ साथ ब्लॉग करना, क्योंकि मुझे भी हेल्प करना पड़ रहा है। और ये कितने अच्छे से मम्मी ने माला तैयार किया है, देखो। ये माँ के लिए रेड एंड वाइट, ये भगवान के लिए पूरा प्योर वाइट, बीच में बस वो पत्ता, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जैस्मिन फ्लावर है, इनको नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये अभी तक है हमारे साथ, है ना मम्मी, इसलिए उनको माला नहीं दिया जाता है। तो मम्मी कर रही है, मैं और अभी तो मम्मी बिछा रही है। मैं ब्लॉग को यहीं पे थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ, मैं भी हेल्प करूँगी, उसके बाद तैयार होके सब श्रुति आप लोगों को आगे दिखाएगी। सो देखते रहिए, साथ रहिए, बाय। ऑलमोस्ट मम्मी ने फूल यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से भगवान को फूल दिया है, ये भगवान का है। और ये मैंने हेड के ऊपर अच्छे से ये लगाया है। मम्मी और एक प्लेट सजा रही है फूलों की, मैं और एक सजाऊंगी माँ के लिए, और फिर प्रसाद हम दे देंगे। मम्मी थोड़ा सा अपने आप को ठीक करके आएंगे अंदर से, क्योंकि सब लोग आने से पहले 7:30 से शुरू होगा, तो उससे पहले सब कुछ ठीक करना है। हाँ, अभी आई है, ऑलमोस्ट सब पापा ये सब ला रहे हैं। मैं अभी भी पकौड़ियाँ तल रही हूँ। मैं कैसे लग रही हूँ? ठीक है, पापा ला रहे हैं, पापा ये सब लाए, हारमोनियम, ढोल। मुँह का हालत नहीं है, मैंने कुछ भी बस नहा के ही तब से फिर से मैं वो चाट बनाई, अभी पकौड़े बना रही हूँ। तो हाँ, हम लोग फिर पकोड़े बनाना हो जाएगा और हाफ एन आवर लगेगा शायद, उसके बाद फिर हम रेडी होने जाएंगे। तब तक 7 बजे तक सब आ जाएंगे, 7:30 तक। तो अभी मैं रखती हूँ, आपको बाद में दिखाती हूँ। मेरे को दिखा, तेरे को तो दिखा ही। मैं कर रही हूँ अभी। हाँ, मम्मी और ये सब कुछ कर रहे हैं इधर। इतना अच्छा लग रहा है, मतलब भर के ऐसा लग रहा है घट के ऊपर है, एक घट के ऊपर पहाड़ के जैसा। रात को दिखाई, यहाँ पे मैंने अपना रिंग लाइट भी ये इसने रिंग लाइट लगा लिया है, इसका लाइट अच्छे से होगा इसीलिए। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात को इतना ज़्यादा टायर्ड थी कि मेरे को लग रहा था मैं मर गई हूँ, मतलब मेरे बॉडी में और थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं था कि मैं एंड करूँ ब्लॉग। फिर भैया भाभी भी आए थे, तो थोड़ा डिस्कशन चल रहा था लाइक सीरियस टॉपिक के ऊपर एंड ऑल, तो मैंने उनको ज़्यादा नहीं दिखाया इसलिए कल।
और इतना काम था, मतलब मैंने सोचा था कि जब मैं प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करूँगी एंड ऑल थोड़ा सा अच्छे से सब कुछ करूँगी ब्लॉग, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो पाया। इतना मतलब हड़बड़ी में इधर उधर करते करते फिर रात को भैया भाभी जाते जाते 12 बज गया था, और फिर उसके बाद फ्रेश होके मैं एकदम से सो गई। मैं सोची भी, मतलब दिमाग में मेरा आया कि ब्लॉग मुझे एंड करना है, मुझे कुछ बताना है एंड बोल के रखना है, बट उतना भी मेरे से नहीं हुआ। इतना ज़्यादा टायर्ड और पूरा बॉडी एक हो रहा है, कभी नहीं करती हूँ ना, और अचानक से एक दिन में पूरा एकदम सुबह से लेकर रात तक एकदम काम करना, मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है। तो कोई नहीं, चलो अभी सुबह हो गया है, मैं उठ गई हूँ, ब्रश व्रश करके मैं फ्रेश हो गई हूँ एंड अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, ओट्स, दही ओट्स एंड एग, बॉयल्ड एग। तो अभी मैं खा लेती हूँ और ये इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप लोगों को मैंने हड़बड़ी के अंदर पूरे दिन में जो जो भी जैसे सब किए हम लोग बनाए एंड पूजा का तो उतना मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं पूरा लास्ट में बैठी थी जाके रेडी होके तैयार होके, पकोड़े तल के जाने में मुझे लेट हो गया था। तो यस, होप आप लोगों को अच्छा लगा हो एंड अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, एंटरटेनमेंट लगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड आई विल सी यू विद अनदर न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।